गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार बच्चों, हमारी आर्ट क्लास में और हेलो एवरीवन, हमारी चैनल में आप सबका स्वागत करते हैं। आज पोस्टर मेकिंग की क्लास है, तो इसकी सामग्री है बच्चों प्लाईवुड या बोर्ड का पीस जो इस प्रकार से है, मोट पोस्ट ट्यूब एक इस प्रकार, ये फेविक्रिल फैब्रिक ग्लू है और फैब्रिक पेंट व्हाइट कलर में, एक बैटर ब्रश 00 का और टिश्यू पेपर का एक सेट, पोस्टर मेकिंग का टिश्यू पेपर से बनाएंगे। तो चलिए सबसे पहले आप इसमें व्हाइट पेंट को कीजिए एक कोट, पहले सूखने के बाद एक कोट और करेंगे। हाँ, उसके ऊपर ब्रश से इसके ऊपर एक कोट सूखने के बाद कल इसके ऊपर और करना है जी। इसको पूरा 6 पीस बनाएंगे। कल एक नई बाटल से करना है। देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, ये टिश्यू पेपर है जो कि आप लोगों को स्टेशनरी में मिला है। एक टिश्यू पेपर में 4 पीस निकलता है। कोस्टर मेकिंग के लिए इसको उपयोग में लाते हैं। देखिए, इसको बहुत ही सावधानी से आप लोग निकालेंगे बच्चों। एक टिश्यू पेपर में आपको 4 पीस मिलेगा। ये देखिए, इस प्रकार किनारे से जब निकालेंगे बहुत ही सावधानी से इस प्रकार निकालेंगे ताकि ये फटे ना। और इसको ये देखिए, इस प्रकार एकदम सावधानी से निकालेंगे और इसको फिर काट लेंगे कैंची से, तो ये 4 पीस आपका 4 पीस बन जाएगा। ये देखिए बच्चों, एक पीस को अलग कर रहे हैं, इसमें 4 पीस हमें मिलेगा। पोस्टर मेकिंग के लिए सभी सामान स्टेशनरी की दुकान में मिल जाता है। इसको निकालते समय बस थोड़ा सावधानी रखेंगे। चाहे तो आप सीधे सीधे 4 पीस काट के एक एक पीस भी निकाल सकते हैं। ये देखिए, हमको एक पीस मिल गया। इसी प्रकार सावधानी से निकालेंगे, 3 पीस और निकल आएगा। ये देखिए, जैसे ये निकल रहा है। देखिए बच्चों, ये प्लाईवुड कार्डबोर्ड का पीस है, 6 पीस बनाना है। अब इसमें ये मोट पोज है, इसको डालेंगे। ये पहले आप लोग देखिए, यह व्हाइट कलर का इसमें कर लिए है पेंट, फैब्रिक पेंट। अब मोट पोज डाल रहे हैं, देखिए, और इसको फैलाएंगे। ये देखिए, इसको एक साथ करना है, इस प्रकार इसको फैलाना है। एक लेयर इसको करेंगे और टिश्यू पेपर के ऊपर फिर एक लेयर करेंगे। ये देखिए, इसको एकदम एक साथ रखना है बच्चों, ध्यान दीजिए, तो ही सही से चिपकेगा। इसमें पेंट एक दिन पहले कर लिए हैं, पेंट सूख गया है। एक एक करके इसको बनाएंगे, 6 पीस में एक साथ नहीं करना है। ये देखिए बच्चों, एक लेयर इसमें मोट पोज लगा लिए हैं। जो डिजाइन चाहिए उसको यहाँ पे बीचों बीच रखेंगे। और एक चीज आप लोग ध्यान देंगे, इसको ऐसे दबाएंगे कि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा, एक बूंद भी हवा ना रहे, कोई बबल ना बने, तो ये एकदम सही बनेगा।
ये देखिए टिश्यू पेपर डिजाइन वाली, इसको मॉड पॉज लगाएं एक लेयर और ऐसे इसको प्रेस करेंगे हाथ से, ताकि इसके अंदर बिल्कुल भी हवा ना रुके, बिल्कुल भी एयर एयर नहीं रहना चाहिए, ताकि कहीं पर भी उसका शेप ना बिगड़े। ये देखिए इसको थोड़ी देर रुकेंगे इस प्रकार करके। अब इसके ऊपर फिर मॉड पॉज लगाएंगे। ये देखिए अब ये पूरा अच्छे से इसका कर लिए हैं। अब इसको एक लेयर फिर करेंगे, ये शाइनिंग के लिए है, इससे इसका शाइन बढ़ता है। ये देखिए इसको सूखने के बाद फिर एक लेयर करेंगे इस प्रकार। इसको आप चाहें तो दो या तीन लेयर इसको कर सकते हैं, इसमें इसका शाइन बढ़ जाता है। एक नए प्रकार का आर्ट है। सूखने के बाद फिर एक लेयर करेंगे, और चाहे तो ये सूखने के बाद एक लेयर और, इस प्रकार तीन लेयर कर सकते हैं सूखने के बाद। और ये सूख जाए साइड साइड का पूरा एक्स्ट्रा जो है टिश्यू पेपर, उसको हाथ से ही निकालेंगे। ये देखिए हमारा ये सूखेगा, उसके बाद ये साइड का टिश्यू पेपर इस प्रकार हाथ से इसको निकाल लेंगे, हाथ से ये निकल जाएगा। जो डिजाइन बीच में लाना चाहें, जैसे ये है उसी को बीच में रखेंगे। थोड़ी देर इसको अब सूखने देंगे। जब तक ये वाला सूख रहा है, इसको थोड़ा टाइम लगता है सूखने में, तब तक एक और बना लेते हैं। देखिए पूरा इसको एक लेयर में फैलाना है। इसको जब चिपकाते हैं तो इसके अंदर हवा ना रुके, बबल नहीं बनना चाहिए, बस एक ही चीज का ध्यान रखना है। ये पोस्टर मेकिंग एक नया आर्ट है, जो कि हम अपने क्लास में बच्चों को करवा रहे हैं। बच्चे एक नया आर्ट सीख रहे हैं। ये देखिए अब इसको देखिए अब इसके ऊपर ये डिजाइन वाली टिश्यू लगाएंगे। पहले इसको प्रेस करेंगे, ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर बबल ना बने। अब इसके ऊपर दो लेयर मॉड पॉज फिर लगाएंगे। इसके ऊपर एक लेयर फिर लगाएंगे। हाँ ये देखिए बच्चों, ये सूख चुका है, और इसके ऊपर शाइनिंग के लिए दो तीन लेयर कर लिए। अब जो एक्स्ट्रा है हमारा टिश्यू पेपर, उसको काट देंगे। चाहे तो हाथ से भी ये एक्स्ट्रा हिस्सा निकल आता है, और चाहे तो कैंची से भी इसको काट सकते, और काटने के बाद ऐसा कर देंगे। ये जो चाय रखते हैं, इसके लिए इसको चाय रखने के लिए इसको छह पीस में बना रहे हैं।
इसको अच्छे से ऐसे कर देंगे, इसको पूरा 6 पीस बनाएंगे। ये चाय रखने के लिए है, चाय का जो कप रखते हैं इसके ऊपर ये वही है। ये देखिए थोड़ा सा ये माउथवॉश साइड साइड में, ये देखिए ये साइड में लगाएंगे ताकि यहाँ पे ये फिनिशिंग इसका सही हो। इस प्रकार लगा लिए तो, और चारों तरफ लगाएंगे इसको और इसको ऐसे चिपका देंगे। जो थोड़ा सा हिस्सा बढ़ा के काटे हैं उसको माउथवॉश लगा के चिपका देंगे। देखिए बहुत ये सुंदर पोस्टर मेकिंग 6 पीस आप लोगों का बन रहा है। ये चारों तरफ इसी प्रकार लगाएंगे और चिपका देंगे। गुड मॉर्निंग मैम। नमस्कार बच्चों, बैठिए। हमारी आर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज ये कोस्टर मेकिंग की क्लास है। आप लोग ये जो रखे हैं पीस प्लाईवुड का, फैब्रिक कलर लगेगा व्हाइट कलर, ब्रश अभी बताते हैं आप लोगों, टिश्यू पेपर लगेगा और माउथवॉश लगेगा। तो ये देखिए जैसे प्लाईवुड का टुकड़ा है इस पे पहले फैब्रिक व्हाइट कलर को करेंगे एक कोट, और यदि फीका लगा तो एक कोट और करेंगे और उसके ऊपर टिश्यू पेपर को लगाएंगे। तो ये इस क्लास में आप लोगों को ये बताना स्टार्ट करते हैं। चलिए अपना अपना वो रखिए और ये ब्रश और कलर कलर कीजिए एक एक कोट। चलिए हमारे मैम का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।